हे भगवान। शिवा के साथ ये लोग कौन हैं? पता नहीं डैडी। ये लोग डैडी, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, बेंगलुरु में साथ में पढ़ते थे। ये है शर्मा। हेलो सर। हेलो। संजय, राकेश। हेलो अंकल। हेलो। ये तीनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में एमए एमफिल खत्म करके अब उसी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हैं। ओह दैट्स वंडरफुल। आंटी, हम जो काम करने आए हैं वो बस अच्छे से हो जाए, इसलिए आशीर्वाद दीजिए। उठो बेटा उठो, तुम्हारे मन की सारी मुराद पूरी। थैंक यू डैडी। इन्हें कुछ दिन चेन्नई में काम है, होटल बहुत महंगे हैं, तो हमारे घर पे ही रुक जाएंगे, ऐसा सोचकर मैं इन लोगों को यहाँ ले आया। अरे कोई बात नहीं, आराम से रह सकते हैं, इसे अपना ही घर समझो, आराम से रहो। हाँ थैंक यू अंकल। सुनो हा? मुझे तुम्हारे आने का ही इंतजार था, ऑफिशियल कैंप के लिए कोयम्बटूर जा रहा हूँ, 2-3 दिन लग जाएंगे। यू टेक केयर ऑफ देम। ओके। तुम इतने डल क्यों लग रहे हो? हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रैवलिंग की वजह से थोड़ा थक गया हूँ, और कुछ भी नहीं है। टेक गुड रेस्ट। सी यू गाइस। आता हूँ। संभाल कर जाइए। ठीक है ठीक है, सब फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। ठीक है माँ। चेटियार। हाँ माँ जी। इन्हें ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। कब आए? अभी आया। ये लोग कौन हैं? ये मेरे फ्रेंड्स हैं। ओह अच्छा। हेलो। हे शिवा, कब आया तू? जस्ट अभी आया। इवनिंग में रिसेप्शन है, तुझे याद है ना कि भूल गया? हाँ याद है। तो टाइम पे पहुंच जाना। ओके ओके ओके। कौन था? मेरा फ्रेंड रघु। कमिश्नर बोल रहे हैं? यस कमिश्नर। कमिश्नर अंकल, कल सुबह नहा के मंदिर जाकर डायरेक्ट वहीं आ जाऊंगा। क्या अंकल आप ऐसी बातें कर रहे हैं? पापा भी घर पर नहीं है। मैं नाइट ड्यूटी नहीं करता हूं। ए शिवा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? चुपचाप तुम्हें कार्टून देखना चाहिए था, क्यों बीच में कॉमेडी कर रहे हो? हमने जेंटलमैन की तरह तुम्हें समझाया था ना, फिर ये सब क्यों? आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। माफी एक बार दी जाएगी, समझ गए ना? माइंड इट। शिवा क्या यार, तुझे रिसेप्शन में नहीं आना है क्या? कितनी देर हो रही है? अरे मुझे नहीं आना है। क्या नहीं आना है, पागल हो गया? शंकर को बहुत फील होगा। मैं कॉल कर रहा हूँ और तू फोन कट कर रहा है। बोल रहा हूँ ना कि मैं मुसीबत में हूँ। ऐसी क्या मुसीबत है यार? ये देखो, इस लेटर में सारी डिटेल्स हैं, बाहर जाके पढ़ना और जिसे देना है उसे दे देना, समझ गए? ए, क्या है इस लेटर में, क्या प्रॉब्लम है? बोल। ये पकड़ो। हे तू मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? मैंने कहा ना शादी में नहीं जा पाऊंगा, वो भी मुझे फोन करके डांट रही थी। ये मेरा बेंगलुरु का फ्रेंड है, शर्मा नाम है इसका। हेलो, दिस इज रघु। हेलो। अच्छा सुन, मुझे बैंक में बहुत जरूरी काम है, वो काम करके मैं आता हूँ, ठीक है? शाम को मिलते हैं। जाओ। अरे शाम को आता हूँ ना यार। ओके बाय। ओके यार बाय बाय। सर मुझे कमिश्नर साहब से मिलना है सर। क्या काम है? सर बहुत जरूरी काम है सर, कुछ पर्सनल बातें करनी है, प्लीज सर मेरी हेल्प कीजिए सर। आप कौन हो? मेरा नाम रघु है सर, 2 मिनट के लिए बात करवा दीजिए, बहुत इमरजेंसी है सर। ठीक है, थोड़ा वेट करिए। चलो शिवा, थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं यार। कहाँ? अरे चल ना, बताता हूँ। ये तो बताओ ना कहाँ। बिना बताए नहीं आएगा क्या, चल ना।
बेटा मुझे छोड़कर चला गया। रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय मेरा बेटा ट्रेन से टकरा गया और ये दुनिया छोड़कर चला गया, जबकि मेरा बेटा ऐसी लापरवाही कभी नहीं करता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्या हो गया। तुमने जो कमिटमेंट्स तोड़ा उसका छोटा सा नमूना, बिना सोचे कुछ करोगे तो मुझे पसंद नहीं आता। माइंड इट। Sit down. It is so pathetic that terrorism has propagated everywhere as a deadly virus in the country. In spite of global support against terrorism, it is very sad to know that there is very little progress. Whatever anybody says, it's our own responsibility to protect our nation, our sovereignty and integrity. At this point, I am very proud to say that our own intelligence officers who hook behind the scenes day and night have made significant progress. Mr. Sharma, signal phir se mil raha hai. Karthik ko inform kariye. Okay. Us signal ko analyzer mein transfer karo. Okay. पालिका बाजार। सो यही बिल्डिंग उनका ऑपरेशन स्पॉट है। मिस्टर संजय। यस सर। इस बिल्डिंग की सारी डिटेल्स मुझे तुरंत चाहिए। आई डू इट। लेकिन शो मी द न्यू मैसेज। यस सर।
नाइन्थ अल्फाबेट कौन सा? आई. 19? यस. 9? आई. मतलब इनकी आईएसआई से जरूर कोई ताल्लुकात है. एक्सक्यूज मी सर. यस. मैंने सारी डिटेल्स निकाल ली है सर. गुड सर. यहाँ पर देखिए, ये बिल्डिंग अलग है. डोर नंबर 5. घर के सारे लोग एब्रॉड में रहते हैं. घर को भाड़े पर किसी सेठ को दिया गया है. आई सी. और ये बिल्डिंग के पाइपलाइंस कहाँ पर हैं? ये यहाँ पर हैं सर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में. यही है ड्रेनेज स्पॉट. सी, व्हाट यू हैव टू डू इज पहले इस रोड की लाइट्स कट कर दो. जैसे ही अंधेरा होगा, उस घर के ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करना होगा. हाँ, या सर. हाँ, उस घर से गटर की स्मेल आ रही है, ऐसी कंप्लेन आई है. ओके, आई विल टेक केयर ऑफ दैट. सब कुछ ठीक है ना? ठीक है. कौन है आप? आपने कोई कंप्लेन दी है क्या? कौन सी कंप्लेन? ड्रेनेज प्रॉब्लम. अंदर आइए. अच्छा. सर, मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज. मुझे किडनैप करके यहाँ रखा गया है. आप क्या बोल रही हैं? सर, मुझे बचा लीजिए सर. मुझे यहाँ किडनैप करके रखा है. क्या? क्या है? ये लड़की कुछ बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे. वो पागल है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ. ठीक है. अच्छा ठीक है, जरूर. मैडम, मैं एक फोन करना चाहता हूँ. शुक्रिया. हेलो.
कम ऑन। मेरा नाम है सुधा, तमिलनाडु के आईजी की बेटी हूँ। फैशन डिजाइनिंग करने के लिए दिल्ली आई हूँ। ये कितनी बार बोलोगी, ये मुझे तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन कार्ड से पता चल गया। मेरे लिए अभी जरूरी ये डिटेल्स नहीं है। तुम्हें अगवा क्यों किया गया और अगवा करके उन्होंने क्या कहा और उनके प्लान्स क्या है, बताओ। प्लीज आप मुझसे ये सब मत पूछें, मुझे डर लग रहा है। किस चीज का डर है? तुम्हें बचा लिया गया है। अगर मैंने कुछ बता दिया तो घर वालों को खतरा होगा। अगर नहीं बताओगी तो देश खतरे में आएगा। चलेगा तुम्हें? एक पुलिस की बेटी होकर ऐसी सोच, बहुत ही कमजोर दिल की हो। वो कौन है पता है तुम्हें? पाकिस्तान के पाले हुए, हमारे देश में भेजे गए टेररिस्ट। पानी लेकर आओ। आई एम सॉरी। पीजिए प्लीज। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी? तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी, मेरा विश्वास कीजिए। क्या हुआ बता दीजिए प्लीज। बताती हूँ, मुझे यहाँ कॉलेज तक छोड़ने मेरा भाई शिवा आया था। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम उतरे। तेरा फ्रेंड आया होगा कि वो भी तेरी तरह लेजी है। अरे आया होगा वो। ए शिवा। शिवा हाय। हाय नमस्ते, ठीक हो ना? मेरा फ्रेंड नहीं आया। प्रवीण थोड़ा बिजी है इसलिए मुझे पिक करने के लिए बोला है। कार रेडी है, चले क्या? एक दिन रुक कर जाना शिवा, नया शहर है, मुझे टेंशन हो रही है। क्या नया शहर है? लेडीज हॉस्टल में जाते ही 10 मिनट में तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। तुम आईजी की बेटी हो, भूलो मत। हेलो, कहाँ जा रहे हो? पालिका बाजार की तरफ से क्यों जा रहे हो? वो न्यू दिल्ली है। इस रूट से ही चलते हैं। मुझे दिल्ली के बारे में पता है, ये रूट सही नहीं है। नहीं जा सकते हैं। हेलो, गाड़ी रोकिए। चुपचाप चलो, पीछे देख रहे हो ना? हे, सुनो, कौन हो तुम? हे, कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? हे, उतर बे। अरे, हे, कम ऑन, गेट डाउन। बहुत मारा है, दुख रहा है क्या? आपको क्या चाहिए? हमारे पास जो भी है सब ले लीजिए, हमें छोड़ दीजिए, प्लीज जाने दीजिए हमें। पैसा? कितने डॉलर चाहिए तुम्हें? तो क्या चाहिए तुम्हें? हम कौन है जानते हो? क्या हुआ? मैं बताता हूँ जो बताना है। तुम्हारे डैड आईजी ऑफ पुलिस है, नाम माणिक वेल। तुम्हारा नाम है शिवा, ये तुम्हारी बहन सुधा। फैशन डिजाइनिंग के लिए तुम उसे यहाँ हॉस्टल में ड्रॉप करने आए हो। सुधा, हमारे लिए तुम्हें अपनी पढ़ाई का एक सेमेस्टर ड्रॉप करना होगा। क्या हुआ, नहीं समझे? अब से कुछ दिनों के लिए तुम यहीं रहने वाली हो। नो। यस, आज जैसे ही तुम चेन्नई के लिए निकलोगे, हम तीन लोग तुम्हारे साथ जाएंगे। तुम अपने घर पे हमें अपने दोस्त के रूप में इंट्रोड्यूस करोगे। वो क्यों? तुम्हारे डैड की हेल्प से हमें कुछ काम करना है इसलिए, और तब तक हम तीनों लोग तुम्हारे घर में रहेंगे और तुम्हारी बहन यहां पर रहेगी। काम खत्म होते ही बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हम वहां से निकल जाएंगे और तुम्हारी बहन सुरक्षित घर पहुंच जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तुम्हारे आत्महत्या की खबर पेपर में आएगी, वो चलेगा तुम्हें? डरो मत, बात नहीं मानी तो मरोगे। इस घर के नंबर को सुधा के हॉस्टल का नंबर बता के तुम्हें अपने घर पे देना होगा। तुम्हारे घर वाले जब चाहें सुधा से बात कर सकते हैं। उनके हिसाब से सुधा यहाँ आराम से पढ़ाई कर रही है। अंडरस्टूड? उस दिन तुम मुझसे पार्क में टकराई थी। उस दिन मैंने कहा पेट दुख रहा है, हॉस्पिटल ले जा रहे थे। रास्ते में चकमा देकर भागने की कोशिश की, वो मेरे पीछे आ रहे थे, तभी मैं आपसे टकराई थी। आप मेरी हालत समझ नहीं पाए और मैं फिर से पकड़ी गई। आ, 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 आ,
कुछ मुंह खोला क्या? नहीं सर। संजय सर, ये जो ऑपरेशन हुआ और हमने लड़की को बचाया, ये किसी को पता ना चले। यस सर। खास करके जो चेन्नई में रह रहे हैं उन तीनों को तो बिल्कुल नहीं। यस सर। और लड़की के घर से जो भी कॉल्स आएंगे और जाएंगे वो यहाँ पर ट्रांसफर करके आप अटेंड करना। मैंने कॉल अटेंड की तो वो लोग वॉइस आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर। वॉइस कन्वर्टर यूज करके मैनेज करो ना, तो डाउट नहीं होगा। ओके सर। ओके। आ रही हूँ। क्या बेटा कितना लेट हो गया? आई एम सॉरी माँ। आओ अंदर आओ प्लीज। कौन है ये लड़की? माँ इसका नाम है सुधा, कुछ दिन के लिए ये हमारे घर में ही रहेगी, बाकी सब कुछ मैं कल बताता हूँ। इसे कुछ खाने को दे दो, मैं आता हूँ। लगता है हमारी बातें नहीं समझेगी, देखकर तो मराठी लग रही है। ए पोरगी, तुझा नाव का है? तेरा बाबा कुठे है? मराठी भी नहीं आती। ठीक है, हेलो, यू आर हियर कमिंग, व्हाई, व्हाट आई टॉकिंग, यू आस्किंग? मुझे हिंदी आती है। मुझे पता था तुझे हिंदी आती होगी, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा बताओ कितने दिन रुकोगी? मुझे नहीं पता। तुम्हें ही नहीं पता, वो कैसे? क्या बोल रही हो तुम? नहीं, दरअसल मुझे अगवा करके। हे भगवान, ऐसा किया क्या उसने? आपका बेटा नहीं होता। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम अच्छी लग रही हो, मगर बड़ों के खिलाफ जाना अच्छी बात नहीं बेटा। तुम कपड़े वगैरह लाई हो? सब कुछ इस बक्से में ही है। इसके लिए भी टाइम नहीं दिया उसने। ठीक है आओ। बेटा, तूने जो किया वो ठीक है? क्या किया मैंने? क्या किया? एक कुंवारी लड़की को आधी रात को इस तरह घर ले आया। क्या करूं माँ, मजबूरी थी। अब ऐसी भी क्या मजबूरी थी, माँ बाप को तो बताना चाहिए था। माँ अभी बोलूंगा तो काम खराब हो जाएगा। कुछ भी हो, तुम जो कर रहे हो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। बेटी, पुदीना चटनी है, तुम खाओगी क्या? ये लो, मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, अगर बिटिया को पसंद आए तो मैं इसे रोज बनाकर इसे पार्सल कर दिया करूंगा। माँ बाप की याद आ गई होगी, इसीलिए आंख में पानी आ गया। ये घर से निकलते वक्त सोचना चाहिए था ना। शादी के बाद मैं अपने पति को एक महीने के बाद देख पाई थी। माँ ये सब इन्होंने पूछा क्या तुमसे? खाने दो ना माँ। क्यों, मैंने क्या हाथ पकड़े हैं? खाएगी वो। अरे जरा सा क्या बोल दिया, इसे अभी से गुस्सा आ रहा है तुझे। बेटी, मच्छी खाती हो या घास भूसी खाती हो? मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मेरा पति भी वेज था। देखो सुरमई मछली तो इसकी जान है। हे भगवान। क्या तुम्हें मच्छी करी बनानी आती है? नहीं, सिर्फ चाय बनानी ही आती है। सिर्फ चाय बना लेती हूँ। एक काम कर, सामने चाय की दुकान है, वहाँ काम पे लगा दे। चाय वाले के घर से लाया हूँ। क्या? अरे माँ कितनी बकबक करती रहती हो, माँ के साथ सो जाना। गुड नाइट। मेरा आपको गुड नाइट। थैंक्स। ये लो बेटा बेडशीट। लगता है सो गई। बहुत ही शानी है, आते ही इसकी सेवा करनी पड़ रही है मुझे। तो क्या हुआ, मेरे बेटे की पसंद की लड़की है, मेरी बहू की तरह है, कर लूंगी। अच्छा, ये जब घर के अंदर आई तो दाहिना पैर पहले रख कर आई, नहीं बाया पैर रखा था। आजकल की लड़कियां तो जम करके आ जाती है। कुछ भी हो, मेरे बेटे के साथ खुश रहे बस, ज्यादा कुछ नहीं, दो लड़के और दो लड़की चाहिए, बस यही। बस इतने पोता पोती मिल जाए तो अच्छा होगा। ए लड़की, क्या समझती हो अपने आप को, किससे पूछकर कर रही हो ये सब? मैंने सोचा कॉफी बनाने में आपकी हेल्प कर दूं। गलत है माँ जी? है? माँ जी, तुमने मुझे माँ जी बोला क्या? हाँ। अरे वाह, फिर तो कॉफी भी बना सकती हो, डांस भी कर सकती हो। लाओ मैं अपने बेटे को देख कर आऊं। सुधा। मैं ये कॉफी ले जाकर उन्हें दे दूं क्या? हाँ, समझ गई, जाओ जाकर देकर आओ। ओह, थैंक यू वेरी मच। तुम बैठो ना यहाँ प्लीज। अभी मैं तुम्हें कुछ टेररिस्ट की फोटो दिखाऊंगा, तुम्हारे घर पर जो रह रहे हैं इनमें से उन्हें आइडेंटिफाई करके मुझे बता देना। देख लो। ये वाला है।
से भी दो लोग हैं। तुमने जिन्हें पहचाना वो लोग बहुत ही बड़े लेवल के आतंकवादी हैं। किस वजह से वो लोग तुम्हारे घर में रुके हैं ये तो नहीं पता, पर जब तक वो पता नहीं चले तब तक तुम मेरी कस्टडी में हो, ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है। अरे ये क्या इतनी बड़ी चोट लगी है? ये बस कुछ नहीं, ऐसे ही। मैंने तो देखा ही नहीं। अरे अरे वन मिनट रहने तो, कोई बात नहीं। नहीं 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 चलेगा शादी से पहले, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये गलत है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा शादी से पहले ये, नहीं। क्या मां तुम भी, ये जख्म में मरम लगा रही थी। किसको जख्म हुआ है, है? किसे? अरे कहां है जख्म, देखने दे। मां मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। अरे कल ये लड़की एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, तो बचा के लाते वक्त ये जख्म हो गया। अब ये कुछ दिनों तक हमारे घर में रहेगी पूछताछ के लिए, उसके बाद इसे इसके घर पे छोड़ाऊंगा। इस बीच तुम कुछ भी सोचकर अपने आप को कंफ्यूज मत करना। इतना ही क्या? बस उतना ही। सच में इतना ही क्या, और कुछ भी नहीं? और क्या होगा? और क्या? ब्रेवो मिस्टर कार्तिक। थैंक यू सर। ऑपरेशन बहुत अच्छा गया सर, जो आपने डिटेल्स दी थी वो इसमें मैंने और इस पेज का मैंने एक एक्स्ट्रा प्रिंट आउट भी निकाल दिया है सर, फोटोकॉपीज में ऐड कर दी है सर। जिन लोगों को पकड़ के रखा है उनसे कुछ पता चला कि वो लोग क्या करने वाले हैं? उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ सर, वो सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहे थे। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? चेन्नई जाकर पता लगाना है कि वहां पर क्या चल रहा है। और वो लड़की? वो मेरी कस्टडी में रहेगी। ध्यान रखना कि उसकी फैमिली को कोई रिस्क नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अरे ओ लड़कियों, ऐसे ही चिल्लाती रहोगी तो हम सोएंगे कैसे? एक दिन जाकर हमारी कहानियां सुनो, कल घर जाकर सो क्या जाना। कहा इसने? क्या कहानी सुनो? हाँ, कितनी बदतमीज है ये। अच्छा सुनो, चिल्लाना बंद नहीं किया तो ये चेन खींचकर ट्रेन रोक दूंगी। आंटी हम तो 12 बजे तक बात करने वाले हैं, उसके बाद अगर गले की चेन भी खींची ना तो भी कोई नहीं उठने वाला है। तो क्या हम भी 12 बजे तक जागे रहेंगे? क्या हुआ माँ? कॉलेज की लड़कियां हैं शायद, कितना चिल्ला रही हैं, कहती हैं 12 बजे तक जागेंगी और हमें भी जगाएंगी। अच्छा ऐसा बोला? हाँ। अरे कौन है वो, बिना डिस्टर्ब किए सो नहीं सकते क्या? अरे आओ आओ आओ, बैठो बैठो यहाँ, बैठो 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 बैठो। आपने भाग की शादी की है क्या? क्यों? क्योंकि आप देखने में हिंदू जैसे लगते हैं लेकिन आपकी वाइफ मुस्लिम लगती है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अकेले चेन्नई जा रही थी तो ये सेफ रहे इसलिए इसकी माँ ने हमारे साथ इसको भेज दिया। अब इसके अलावा हमारा और कोई रिश्ता नहीं है। आई एम स्टिल एन एलिजिबल बैचलर। क्यों जी, आपने आज तक किसी से प्यार नहीं किया है क्या? नहीं, किसी से प्यार नहीं किया। क्यों सर? क्योंकि अभी तक मैंने आप लोगों की तरह ग्लैमरस लड़कियां नहीं देखी थी। चिंता मत कीजिए सर, हम सब है ना यहाँ पर। मैं हाँ सर, सब एक साथ मांगूंगी तो कैसे चलेगा? अरे वही तो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कोई एक लड़की पसंद कर लो, इसे पसंद आ गई तो मुझे चलेगा। वैसे सॉरी सर, ये लोग सब आपको कंफ्यूज कर रही है, एक्चुअली ये लोग मेरी ही बात कर रही है। सर ये तो ऑलरेडी मैरिड है। एक आईजी के घर पे टेररिस्ट रुके हुए हैं, ये खबर अगर लीक हो गई तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाएंगी। इमीडिएटली उन्हें घेरना होगा। उन्हें घेर कर अंदर डालना बहुत ही आसान है, ऐसा किया तो हम सिर्फ उन्हें ही अंदर डाल पाएंगे। उनका बेस है दिल्ली, वहां से नेटवर्क शुरू हुआ है। वो लोग यहां पर क्यों आए हैं और उनका इरादा क्या है ये हमें पता लगाना होगा। मिस्टर कुमार स्वामी आइए। नमस्ते साहब। ये है उसी घर में काम करने वाले कुक। साहब मैंने कोई गलती नहीं की है, वो आतंकवादी है, मुझे ये बात पता ही नहीं थी। शिवा बेटा के फ्रेंड थे इसलिए मैंने उन्हें खाना खिलाया था और कुछ नहीं सर। आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया, मुझे बहुत डर लग रहा है साहब, मैं यहाँ पे कभी नहीं आया साहब। हमारे साहब और बाकी घर वाले सेफ रहने चाहिए ना। हाँ साहब। तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। ठीक है साहब। तो मोहम्मद अली सेंट्रल जेल में नहीं है ना? यस, उसे कहीं तो स्पेशल जेल में रखा है। वो कहाँ है कैसे पता लगाएंगे? आई जी से सीधा पूछना पड़ेगा। क्या वो बताएगा? शिवा पूछेगा तो पक्का बता देंगे। मैं कैसे ऐसे अचानक अपने डैडी से? हम शुरू करेंगे, बीच में तुम पूछ लेना। गुड आफ्टरनून अंकल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अंकल। गुड आफ्टरनून। सेंट्रल जेल के प्रोजेक्ट के लिए गए थे तो कैसा रहा? थीसिस के लिए कुछ यूजफुल रहा वो? यस अंकल, ये हमारे लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। हाँ अंकल, ये जो बड़े कैदी होते हैं उनसे क्या हम मिल सकते हैं?
उसके लिए बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं। उन्हें सेपरेट सेल में रखा जाता है, एडिशनल सिक्योरिटी होती है। क्या उनसे मिलकर बात हो सकती है? नो, कोई सीक्रेट बात बाहर ना जाए इसलिए विजिटर्स को वहां अलाउ नहीं किया जाता। अच्छा डैडी, हाल ही में जो मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था, उसे किस जेल में रखा गया है? ओहो, अच्छा, उसे, इट्स अ प्रोफेशनल सीक्रेट। सॉरी माय सन, ये मैटर तो मैं अपने बच्चों से भी डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। डोंट एम्बेरेस मी बाय आस्किंग मोर अबाउट दिस। सो फाइल्स। ओके सर। नमस्कार। आज जेल में रखे हुए एक आतंकवादी मोहम्मद अली को कोर्ट में हाजिर किया गया है और उस पर लगे हुए आरोपों की तहकीकात शुरू हुई है। पुलिस फोर्स के हमले के कारण कैद किए गए मोहम्मद अली की सुनवाई होने वाली है अगस्त के 15 तारीख को। जज ने उन्हें कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया है। मोहम्मद अली को अलग सेल में रखा गया है। आईजी मानिक जी से जब उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने हमें बताया, मोहम्मद अली कितना खतरनाक आतंकवादी है ये हमें अच्छी तरह पता है, इसलिए स्पेशल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से बात करने के बाद फाइनल कॉल लिया जाएगा। सर, पहले जो आईजी थे उन्होंने भी यही बात कही थी, लेकिन फिर भी वो भाग गया। अभी ऐसा होना नामुमकिन है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करके हमने कड़े बंदोबस्त किए हैं। सर, उन्हें किस जेल में रखा गया है? नो, इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल। नो, मोहम्मद अली के कोर्ट जाने से पहले हमें कुछ भी करके उससे मिलना होगा। पर वो कहाँ है ये तो नहीं पता। पता लगा सकते हैं, उसका एक तरीका। सर, आप बताइए क्या बोला वो उसने? सब हम बता नहीं सकते। जब हम उसे कोर्ट में पेश करेंगे तब आपको सब कुछ बता देंगे। सर, कोर्ट ने तो 15 दिन का ही टाइम दिया है ना। हम उनसे और समय मांगेंगे। सर, प्लीज वन क्वेश्चन। पाकिस्तान में क्या क्या सोचते हैं? नो मोर क्वेश्चंस सर। प्लीज सर, जस्ट वन मोर क्वेश्चन सर। इस पूरे मसले में आपकी राय क्या है सर, बताइए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं चेन्नई से बात कर रही हूँ। वहाँ रूम नंबर 18 में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट सुधा होगी, उसे बुला दीजिए। आप कौन बोल रही हैं? मैं उसकी माँ बात कर रही हूँ। हेलो, मैं वार्डन बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एजुकेशनल टूर के लिए सूरत गए हैं। अगले 10 दिन में वो वापस आएंगे। जैसे वापस आएंगे हम आपकी बात करवा देंगे। हाँ, बात करवा दीजिएगा। आज बर्थडे है तो मैंने सोचा कि उसे विश कर देती हूँ, लेकिन वो स्टडी टूर के लिए सूरत गई है। एक फोन करके वो बता भी सकती थी। ये आपकी लाड प्यार का नतीजा है, देखा ना कैसा बर्ताव कर रही है। ठीक है ना जानकी? आइए दीदी, आइए आइए आइए, बैठिए ना। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। पास के गणपति मंदिर में जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए, तुम आओगी साथ में? कहते हैं अगर घर में शादी करने के लायक लड़की हो तो गणपति जी की पूजा करो, उनके गले में जो माला चढ़ाई होगी उसे अपने घर लेकर आओ और लड़की की नजर उतारो, तो आपके घर में जो जमाई आएगा वो लड़का बहुत ही अच्छा होगा। आज मेरी बेटी सुधा का जन्मदिन है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आती हूँ, रुकिए। हाँ। जरा एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ यही घर है। ऐसा क्या, एड्रेस है ना, ऑटो पकड़ के आ जाओ। कौन था जी, बोलिए ना, सुधा थी क्या? हाँ? नहीं, वाइफ की तबीयत खराब है बोलकर चेट्टियार गांव गया था ना। हाँ? अब भी वाइफ ठीक नहीं हुई है और एक महीना लगेगा आने में। अरे ऐसे बोलने से कैसे चलेगा, घर में इतने सारे लोग हैं। तब तक खाना बनाने के लिए उसने अपनी बहन के बेटे को भेजा है, बस स्टैंड से वही बात कर रहा था, वो भी अच्छा खाना बनाता है, तो हो गए ना प्रॉब्लम सॉल्व। चले। क्या हुआ बेटी, क्या देख रही हो वैसे? मेरी माँ कहाँ है?
वो ब्लू साड़ी में। ऐसा क्या? आओ। ये माला ले लो। पूजा करवानी है। किसके नाम से? मेरी बेटी के नाम की। नाम? सुधा। कौन सा नक्षत्र? पूर्ण नक्षत्र। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वाय नमः। ओम भगवते नमः। बेटा क्यों दुखी हो रही हो? जन्मदिन के दिन तुम्हारी माँ के दर्शन करवाए भगवान ने, ये अच्छी बात है ना? आओ। अरे तुम लोगों को काम करना नहीं आता, बस पैसा चाहिए, टाइम पे पैसा दे देते फिर भी काम नहीं करते हो। ठीक से उठाओ ना इसे, रखो। सुनिए जी, दीदी कहाँ है? रास्ते में उनका घर है ना, मैंने ड्रॉप कर दिया। और तुम्हारे भगवान ने क्या कहा? इस माला से अगर घर की नजर उतारेंगे तो बहुत अच्छा दामाद मिलेगा। जल्दी आइए, आप भी साथ में आइए। मैं भी? हाँ आइए ना। लीजिए। ये कौन है जी? चलिए जाइए। नमस्ते। कौन है आप? कुमार स्वामी की बहन का लड़का पलनी स्वामी। बहन की तबीयत ठीक नहीं है तो मामा ने मुझे यहाँ आने के लिए बोला। हम चटियार खाना बहुत ही अच्छा बनाते हैं, आप जो कुछ भी बोलोगे वो सब कुछ बना देंगे। सुबह तुमने ही फोन किया था? जी हाँ। कुमार स्वामी की वाइफ अब कैसी है? अभी थोड़ी ठीक है, मगर एक महीने तक बेड रेस्ट लेना पड़ेगा ऐसा डॉक्टर ने कहा है। मुझे लास्ट बस पकड़ के आने में थोड़ा सा लेट हो गया तो आप लोग। ठीक है ठीक है, आइए। अरे जी हाँ। अरे बाप रे, घर जितना बड़ा तो किचन है, गाँव में ऐसे दो घर बन जाएंगे। खाना बनाने के बाद मैं यहीं पर सो भी सकता हूँ। हाँ ठीक है, कुमार स्वामी ने सब कुछ ठीक से बताया ना तुम्हें? बड़े साहब को पालक और करेला बहुत ज्यादा पसंद है, और आपको पसंद है दाल फ्राई और मिक्स ग्रेवी, और जो छोटे साहब हैं उनको पसंद है मटन बिरयानी और बैंगन का भरता। सुधा मैडम को इडली और पुदीना चटनी बहुत पसंद है, अभी वो दिल्ली में है तो अभी घर में तीन लोगों का खाना बनाना है। सही कह रहा हूँ? और तीन लोगों को भूल गए? वो कौन है? मेरे बेटे के दोस्त हैं, दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली से? क्या मामा ने तो मुझे बताया ही नहीं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एमए क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या कहा? क्यालॉजी? मतलब कि जो जेल में रहते हैं उन पर पढ़ाई कर रहे हैं वो। अरे बाप रे, इसकी भी पढ़ाई होती है? घबराइए नहीं, साथ में उनका भी बना दूंगा। हमारे घर में आए तो ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे, एक बार देख लूं फिर उनका भी टेस्ट पकड़ लूंगा मैं। अभी वो कहाँ पर है और किस रूम में बैठे? ऊपर है, शिवा के रूम में। अरे आइए, आप लोग ही शिवा भाई के फ्रेंड्स हो क्या? बाकी दो लोग कहाँ पर हैं? अरे ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? मैं हूँ पलनी स्वामी, कुमार स्वामी जी के बहन का बेटा। सब्स्टिट्यूट के तौर पे आए हो, बावर्ची को किचन तक ही सीमित रहना चाहिए, यहाँ क्यों आए हो? अरे आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, ये कॉफी के कप कौन उठाएगा? इसके लिए कोई अलग से बाहर से आने वाला है क्या? अच्छा आप लोग कहाँ से हो वैसे? आउट, जब हम बुलाएंगे तभी इस रूम के अंदर आना, समझ गए? अरे बाप रे, इतना गुस्सा, ठीक है। अरे भाई, अरे अरे पलानी भाई, अरे मैं हूँ मैं। चलो बाहर निकलो। अरे क्यों? रवि मुट्टू बुला रहे हैं। ठीक है जाओ भाई। अरे क्या बात है? नमस्ते भाई। नमस्ते। तुम तो राम चेटियार के घर पे खाना बनाते थे ना? तो फिर अब यहाँ कैसे? ये बाजू में नया है ना, वो राम चेटियार के संबंधी है, इस घर में उन्होंने अपनी लड़की दी है। चेटियार कौन है ये? ये मेरे साथ काम करते थे। नमस्ते माजी। नमस्ते। अभी बगल के घर में खाना बनाने आए हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मैं बताता हूँ एक बार क्या हुआ था, मछली करी के प्रतियोगिता में पहला नंबर आया था। ओ, वो घर वाले नसीब वाले हैं। मिलकर बहुत दिन हो गए तो जरा इनसे बात करके आता हूँ मैं। ठीक है। सो इज एवरीथिंग ओके? ओके सर, एवरीथिंग इज ओके। ये है पहला कैमरा गेट के ऊपर, दूसरा कैमरा गेट के बाहर,
और ये कैमरा है गली में, और ये जो कैमरा हमने फिक्स किया हुआ है ये है उनके कमरे में। इस घर के अंदर आने वाले सभी लोग और सभी गाड़ियों पर अच्छे से वॉच रखना, स्पेशली ये लोग जिस रूम में रह रहे हैं वहां पर अगर छोटी सी भी मूवमेंट हो तो रिकॉर्ड कर लेना। यस सर। और इनके घर के सारे स्टडी और इंटरनेशनल कॉल्स ट्रैक कर लेना, मैं सब सुनना चाहता हूं। ठीक है सर। ओके सर, आईजी ऑफिस से कॉल है सर, कोई भी फोन हो रिकॉर्ड करना। ओके ओके सर। सुनो, तुम्हारे साथ जो लोग भी हैं उन्हें यहां से लेकर निकल जाओ। साहब साहब, सारे कैदी भाग रहे हैं साहब। हेलो, आई जी बोल रहा हूँ। सर मैं सुरेश बात कर रहा हूँ। जेल में भगदड़ मच गई है, सारे कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं, एक वार्डन को भी जला दिया है। ओह गॉड, कहाँ जलाया? रिकॉर्ड रूम में सर। कमिश्नर से कॉल करके फौरन एक्स्ट्रा फोर्स मंगवा, मैं भी वहाँ पहुँचता। कोई भी भाग ना पाए। नमस्ते सर। आप टेंशन में निकले, समाजी ने बताया मुझे, और आपने प्रेशर की दवाई भी नहीं ली। वो मैं देने के लिए आया था तभी देखा तो, अरे साहब को कोई हाथ लगाए तो मैं चुप रहूंगा क्या? दिया एक चढ़ा के सबको। आइए। साहब वो लॉरी को रुकने के लिए बोलिए, गेट बंद करने बोलिए। अरे क्या सब देखकर चुपचाप खड़े हो? हेलो गेट नंबर 2 कांस्टेबल, वो गेट बंद करो और उस लॉरी को रोको। आप कौन है? वो सब रहने दो, जो बोला है वो करो ना। सर नहीं मिला सर। सर
देखिए मावे, चल चल चल। तुम कौन? मैं हूँ पलनी स्वामी, कुमार स्वामी की बहन का लड़का। 30 साल हो गए मुझे इस डिपार्टमेंट में। सच बताओ। सर अब अकेले में बात करनी है। ₹10 लाख अकाउंट में डाला है, ये बोला तो तुम पासबुक दिखा रहे हो। अब जो मैं बोलता हूँ वो देखो, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर हमने जो बोला वो नहीं किया तो मैं वो करूंगा जो तुम सह नहीं पाओगे, समझ गए ना? वो बंद करो अपना, तुझे पैसे चाहिए, अपने बीवी बच्चों की लाश चाहिए। अब जैसा बोलेंगे मैं करूंगा। आइए सर। आइए सर, बैठिए प्लीज। लेकिन तुम एक्सक्यूज मी, आप बैठिए ना। या यस स्पीकिंग। नो 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 नो, वी कांट डू दैट मिस्टर मार्टिन। सी वी आर नॉट सपोज टू प्रोड्यूस हिम इन द कोर्ट अनलेस वी फिनिश आवर टोटल इंट्रोगेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। या सी, कैन आई कॉल यू आफ्टर सम टाइम? आई एम इन अ मीटिंग राइट नाउ। ओके बाय। सुधा, 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 तुम क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? सुबह से आपका वेट कर रही हूँ मैं, पता है आपको? कहाँ थे इतनी देर? ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, मेरा बर्थडे का गिफ्ट लेकर आने वाले थे ना, बर्थडे ही खत्म हो गया, बात नहीं करनी। किसने बोला कि बर्थडे खत्म हो गया? अभी भी एक मिनट बाकी है। इस बर्थडे में तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। क्या है? डैडी, डैडी, डैडी। सुधा, तुम यहाँ कैसे, क्या हुआ? हाँ, अगर इन्होंने नहीं बचाया होता तो मैं मर ही जाती। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? देखिए, अब इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब मैं संभाल लूंगी। इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद भी जहां आपकी बेटी को होना चाहिए था, आज आपकी बेटी वहीं पहुंच गई है। अब बेटा कॉफी पियोगे? अरे नहीं माँ। बार बार कॉफी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है माँ। ठीक है ठीक है, आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आती हूँ, तू भी आ जा बेटा। मैं अभी आती हूँ। सो मिस्टर कार्तिक, मतलब कस्टडी में बंद मोहम्मद अली को बचाने के इरादे से वो लोग मेरे घर में ठहरे हुए थे, राइट? एग्जैक्टली। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसे बचाने के लिए दिल्ली में नेटवर्क स्टार्ट किया है, मतलब ये कोई बड़ी हस्ती है और इन लोगों का इरादा भी बहुत ही बड़ा होगा। मेरी बेटी को तो बचा लिया है, अब उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं बचा। उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं क्या मिस्टर कार्तिक? नो नो सर, पहले मोहम्मद अली का क्या मास्टर प्लान है ये पता करना होगा। आपके घर के वो 3 लोग हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हैं, उनको रखकर ही हमें गेम खेलना होगा। हमारे लिए वो बिल्कुल एक मछली की तरह है सर, बस हमें बिल्कुल सही टाइम में जाल बिछाना है। तब तक चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपकी फैमिली को ये बात पता ना चले, प्लीज सर। ओके, थैंक यू सर। हाय। क्यों, डैडी को देखते ही इमोशनल हो गई? नहीं। ठीक है, तुम्हारे जन्मदिन पर एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट दिया है मैंने, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मतलब मैं जो चाहता हूँ। इस टाइम पर कैसे? इस टाइम पर ही तो मैंने तुम्हें दिया। गिफ्ट शॉप्स बंद हो गई होंगी ना? एक गिफ्ट शॉप ओपन है ना। वो कहाँ? पता नहीं। नहीं पता। ये रहा। हाँ, ए सुंदरी, ये देखो फोन बूथ, अच्छे से गांव पहुंच गए, ये तुम्हारी माँ को बोल देते हैं। ठीक है जी।
हे भगवान मेरी सेवा करना, तुम मेरी तरक्की देना, मैं तुम्हें लड्डू चढ़ाऊंगा, भगवान लड्डू चढ़ाऊंगा। कुछ नहीं सर, फोन करना है, फोन फोन। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं अभी कराता हूँ। आप डर गए क्या सर? अच्छा हाँ, नंबर बताइए। 2-6-3-6-4-6। बाहर से हो क्या? कैसे पहचाना? नंबर से भी पता चलता है, शक्ल से भी। कौन सा गाँव? कनाल जंगल के पास कनिका गाँव से। अच्छा वहाँ से हो, रुको जरा। अरे भाई ये क्या, मेरे बताया हुआ नंबर नहीं है? रुको रुको है? अब अपना नंबर बोलो। वही जो पहले बताया था, 2-6-3-6-4-6। हेलो कौन बात कर रहा है? ये लीजिए बात कीजिए। मुझे तो ना बहना, कीर्ति बहना, मैं राजस्वामी बात कर रहा हूँ। कल ही तो इसे लेके शहर आया हूँ, उतरते ही फोन करने का मन किया इसलिए कर दिया। 5 बजे ही हम लोग पहुँच गए बहना। बहना जरा अमृता बहन को बुलाओ ना। ये कौन है जिसे बुलाना है? मेरी गांव में इनके घर पे ही फोन है, इनको फोन करता हूँ तो ये मेरे घर वालों को बुलाते हैं। वो कौन सी गली में रहती हैं? दूसरी गली में रहती हैं। बुला रही हैं क्या? बुला रही है, बुला। अच्छा ठीक है। ये भी मेरी बहन जैसी है। अच्छा ठीक है। कौन है बहना? बहना अमृता बहनों, क्या बोलो बहना, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, तुम्हारी याद आती रहती है। क्या कहा बहना? हाँ भाई यहाँ पहुँच गया हूँ मैं आराम से, उतरते ही मैंने तुम्हें कॉल किया। अच्छा बहना एक बात बताओ, वो कालू है ना, वो तुम्हें धान के पैसे देगा, उसे ले लेना ठीक है? सुनो वो 10 रुपए कम देने की कोशिश करेगा, पर तुम पूरा लेना, बिल्कुल पैसे मत छोड़ना। हाँ और सुनो, बाजू के भाई को 2 बोतल घी दिया, उससे भी पैसे ले लेना, और छत पे कुछ देसी अंडे रखे उसे बेच देना, समझ गई? ऐसे ही मत रखना, नहीं तो अंडे खराब हो जाएंगे। बहना वो जो सामने रहती थी जिसके कमर में दर्द होता था, कैसी है वो? हॉस्पिटल में एडमिट हो गई क्या? अच्छा बच्चा हो गया? क्या मरते मरते बची? क्या हुआ? अरे सामने वाली है, मेरी बहन जैसी है, 10 दिनों से बोल रही थी उसके कमर में दर्द है, हॉस्पिटल में एडमिट किया, मरते मरते बची है वो। ठीक है रखता हूँ। हाँ रख दिया। बाप रे, एक दिन गांव छोड़ के क्या निकला, क्या से क्या हो गया। ये लीजिए अपने पैसे काट लीजिए और बाकी के कॉफी पी लीजिए। ये क्या है? फोन पे जो बात किया उसके पैसे। जरा रुको तो, मशीन तो रुकने दो। मशीन और फोन का क्या संबंध है? तुमने कितनी बात की है ये मशीन ही बताएगा। मशीन से यहाँ पे सब काम होता है क्या? बिल्कुल। 650 रुपए? किस चीज के? देखा, इनके फोन से बात करने के 650 रुपए हो गए। भाई साहब मुझे पहले ही पता चल गया था, मैंने तुम्हें जो नंबर दिया था उसके आगे तुमने जो एक्स्ट्रा नंबर लगाया था तभी समझ गया था। वो तो कोड नंबर था। रोड नंबर तुम्हारे घर का नंबर मैंने पूछा क्या है? उसे डाले बिना कैसे बात करते? मैंने बात की, अपने गाँव में बात की, मुझे पता है कितनी बात की है मैंने। अरे वो लोकल होता है भाई। कितने सालों से पीसीओ चला रहा हूँ, तू मुझे बेवकूफ समझता है? पैसे देने पड़ेंगे तुमने। भगवान रुको जरा, क्या हुआ? सर ये मेरे पीसीओ पर फोन करने आए थे, इनसे पूछा कौन से गांव में फोन करना है, तो मैंने इनका नंबर लगा दिया। बात होने के बाद ये कहते हैं कि मैं पैसे नहीं दूंगा, आपने एक्स्ट्रा नंबर लगाया था, अब मैं इनको कैसे समझाऊं? एक्स्ट्रा नंबर डाला तुमने? सर वो कोड नंबर ही एक्स्ट्रा नंबर था सर। भाई साहब आप ही फैसला कीजिए, कोड नंबर क्या, मैंने इसे पूछा? मैंने पूछा क्या तुझसे? पूछा क्या? मैंने अपना नंबर डालने को बोला था, बोला था ना। अरे एक मिनट सुनो भाई, तुम्हारा गांव कौन सा है? कनाल जंगल के पास कनिका गांव। क्या बात है? कोड नंबर क्या होता है पता है क्या तुमको? क्या तुम ही बिना मतलब की बात कर रहे हो? कोड नंबर से मुझे क्या लेना देना? देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या जरूरत है? क्या भैया आप भी? हाँ। आईजी साहब के पास जाना था और यहाँ वहाँ मुझे घुमा रहे थे, साफ साफ बोलते हैं ना कि उनके यहाँ जाना है। ए, मैंने बोला था ना कि एक बड़े से होटल के सामने है। शहर में बहुत सारे बड़े से होटल हैं। किसकी बात कर रहे थे? आईजी के घर के सामने है, बोला ना। ए चुप कर और नीचे उतर जा। बात करने की तमीज नहीं है इस आदमी को। पता नहीं इतनी खूबसूरत लड़की लंगूर के हाथ में कैसे आ गई, कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। नीचे उतरिए। उतर गया ना, फिर से कैसे उतरूं? कुछ ज्यादा ही बोल रहा है वो तो। चलने दीजिए ना। बात करता है। ए वॉचमैन जरा बाहर आओ। वॉचमैन क्या चाहिए तुम्हें? आईजी से मिलना है। ए क्या हुआ? माँ जी कौन है ये लोग? फिर से कोई कुमार स्वामी की बहन का लड़का मिलने आया है। कुमार स्वामी की बहन का लड़का? ठीक है अंदर भेज दो।
कौन हो तुम लोग? मैं कुमार स्वामी के बहन का बेटा और ये उनकी बेटी। ये क्या चल रहा है? कुमार स्वामी की बहन का लड़का तो पहले ही आ चुका है। तुम कह रहे हो कि तुम पहले से कोई आया है क्या? अरे रे, ये ही बहन के लड़के हैं और मैं उनकी बेटी। हाँ माँ जी, मैं ही उनके असली बहन का बेटा हूँ। ये सब क्या गड़बड़ है चेटियार? मेरा नाम मानो चेटियार है माँ जी। हाँ माँ जी। ये क्या, ये कब यहाँ आ गया? बुलाया क्या माँ जी? ये क्या है चेटियार, कुमार स्वामी की बहन का लड़का बोलकर तुम यहाँ आए हो और ये कह रहा है कि ये भी है? क्या, ये मेरे मामा का बहन का लड़का है? माँ जी, ये एक नंबर का फ्रॉड है। मेरे मामा को बुलाइए, आमने सामने बात होगी। मामा यहाँ कहाँ है? उनकी बीवी बीमार है ये बोलकर इसे यहाँ छोड़कर गए हैं। क्या, मेरी बहन बीमार है? अरे माँ जी, वो तो गांव में मस्त गायों का दूध निकाल रही है माँ जी। ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या है चेटियार? एक मिनट रुके माँ जी, मैं अभी आया हूँ। देखा देखा देखा, डर के भाग रहा है। माँ जी, मेरे मामा बात करना चाहते हैं। कुमार स्वामी, मेरे मामा ना, मेरे मामा बात कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे मामा। रुको, हेलो, बोलिए, मैं हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, ओहो, ऐसा है क्या? ठीक है, फंस गया ना, मैंने बोला था ना, मैंने जो बोला वही सच्चा ना बोला भाई। हाँ? वो क्या बोले ना? क्या बोला? तुम्हारी बड़ी माँ का बेटा जो बचपन में भाग गया था ना। हाँ, पलानी स्वामी, वही है ये। ये पलानी स्वामी है क्या? मेरा भाई पलानी स्वामी। भैया भैया, बहुत समय से हम दोनों बिछड़े हुए हैं, किसी हक से तुमने मुझे मारा था क्या? अरे मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई। क्यों भैया, क्यों, किस लिए, क्यों ऐसा किया? क्या क्या बोलना चाहते हो? नहीं भाई, वो हम लोग जब गांव में, क्या फ्लैशबैक है क्या? तुम जब मेरे साथ नहाया करते थे तो मेरे पैंट को अपना पैंट समझ के झाड़ के ऊपर फेंक दिया था। याद नहीं है? याद नहीं है क्या? मुझे याद है भाई। तो फिर वो पैंट का क्या किया? उसके बाद उसे कई सालों तक मैंने पहना भाई। पागल भाई, ये कौन है पता है आपको? अपने मामा की बेटी। क्या तुम इसे, कैसे हो तुम और इतने दिनों तक कहाँ थे? यही नहीं, यही थे। ठीक है भैया, हम लोग गांव चलते हैं, जब मामा यहाँ नहीं है तो हमारा क्या काम? चलो नहीं, मैं यहाँ पर कुछ दिन घूमना चाहती हूँ। अरे मैं तुम्हें घुमा के लाऊंगा, चलो। तुम जाओ यार, तुम जाओ यार। अरे ये तो इसके साथ सेटिंग कर रही है। अरे बाप रे, ट्रैक चेंज हो रहा है। अरे सुनो सुनो, कैसे मिस हो गया, कैसे कैसे प्लान मिस हो गया? समझ में नहीं आ रहा। पहली बार कोई प्लान बनाया था। उस आदमी को आखिर लास्ट मिनट में कैसे पता चल गया? कौन है वो और उसे प्लान का पता कैसे चला? इस पूरे हादसे में बस एक चीज अच्छी हुई है, पुलिस सुपरिटेंडेंट ने खुदकुशी कर ली है, नहीं तो वो हम लोगों का नाम भी उगल सकता था। मोहम्मद अली के कोर्ट की तारीख नजदीक आती जा रही है, उससे पहले हमें उसे मिलना होगा। ऐसी क्या बात हो गई? मोहम्मद अली को पाकिस्तान में गोरिल्ला ट्रेनिंग मिली है, बहुत बड़े असाइनमेंट के साथ इंडिया भेजा गया है उसे, वो है पार्लियामेंट अटैक। उस समय वहाँ सारे मंत्री मौजूद होंगे और तभी उसे वहाँ पे अटैक करना है। इसके लिए उसके ऊपर बहुत पैसे खर्च किए गए हैं, इसलिए उसे मिलना जरूरी है। वो दिल्ली में कहाँ रुकेगा, किससे मिलेगा, सारे प्लान की जानकारी उसी के पास है। ये प्लान किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, पुलिस के हाथ वो प्लान लग गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए तो पैसे, वेपन्स, बाकी चीजें उससे लेने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है। तो? मोहम्मद अली से किसी भी हाल में हमें मिलना ही होगा। सांभर बहुत ही टेस्टी है। नहीं चाहिए, यू कैन गो। ये क्या बोल रहे हैं सर? तुम जाओ, हम देख लेंगे ना। हाँ ठीक है। ये मत खाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? संजय है क्या? वो लोग खा रहे हैं, आप कौन? मैं संजय का दोस्त हूँ। अब एक मिनट रुकिए। हेलो
मैं संजय बात कर रहा हूँ। संजय सब कुछ रेडी है, बस स्टैंड में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। हाँ मैं अभी आया। मैं बच्चे को जान से मार दूंगा, समझ गया? ए, अगर कोई पास आया तो मैं इस बच्चे को मार दूंगा, गला काट दूंगा इसका। ए, कोई पास मत आना। ए, दूर रहे, कोई नजदीक आया तो मार दूंगा इसे। छोड़ दे उसे, छोड़, छोड़। ए, कोई पास मत आना। तू आ जा, मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को बचा लो, करो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई है? ए, ए, मार दूंगा मैं इसे, मार दूंगा। ए, मैं बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मार दूंगा इसे। सर ये तीनों ही घर पर रुके हुए हैं। यह है जेल का अक्यूज्ड मोहम्मद अली, मगर ये दोनों कौन है ये नहीं पता। असाइनमेंट खत्म होने के बाद इन लोगों का भाग जाने का प्लान होगा, इसलिए पासपोर्ट बनाया है सर। ये सारे पासपोर्ट इंक्वायरी के समय में काम आएंगे हमें सर। माय गॉड, ये इसका पासपोर्ट नहीं है। तो ये किसका पासपोर्ट हो सकता है सर? इसमें जो एड्रेस है अगर वो ढूंढ निकाले तो पता चलेगा किसका पासपोर्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका प्लान क्या है ये भी पता चल जाएगा। यस सर, पासपोर्ट की असलियत का पता चल गया है सर। अब इसके बाद हमें क्या करना है सर, आप हमें बताइए। मैं मिलके बात करता हूँ सर। हाँ सर, डिटेल्स बताइए मुझे। ओरिजिनल पासपोर्ट में जो 6 लोग हैं उसमें से 5 लोगों को मार दिया गया है, उसमें से एक ही बचा है। 5 लोगों को मार दिया गया, तो जो बच गया उसका नाम क्या है? मीर मोहम्मद। 5 लोगों को मारा और एक को छोड़ दिया, इसका मतलब उसके पास कुछ तो है। अभी वो कहाँ है?
मीर मोहम्मद आप ही हो? मैं ही हूँ, क्या चाहिए आपको? ये कार्ड छपवाने हैं। कितने? 1000। मुहूर्त कब है? 23 तारीख को है, और वैसे 6 पासपोर्ट भी रेडी करने हैं। पासपोर्ट? वो तो पासपोर्ट ऑफिस में होगा। वो तो ओरिजिनल है, मैं डुप्लीकेट की बात कर रहा हूँ। आप गलत जगह पे आए हैं सर। मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। ए, क्या बकवास है सब, यहाँ ये नहीं होता। जमेल, सर 15 साल पहले इस संगठन को पूरी तरह से सरकार ने बंद कर दिया था सर। तुम्हारा संगठन बैन करने के बाद भी तुम लोग इसे ऑपरेट कैसे करते हो? बताओ। बताओ। बताता हूँ सर। बताओ। बताता हूँ। उन्हें सारे पैसे और सारे हथियार पाकिस्तान से आते हैं, और यहाँ पे उनका सप्लाई मोहम्मद अली देखता है। साउथ में जितने भी लोग उसके जानने वाले हैं सब उसकी हेल्प करते हैं। कब और कहाँ अटैक करना है वही बताता है हमें। साउथ में एक बड़ा अटैक करना था मगर वो अरेस्ट हो गया। ठीक है, अभी उसके पास जो पैसे हैं, वेपन्स हैं, वो आगे क्या करने वाला है, उसकी डिटेल्स किसको पता है? मुझे नहीं पता सर। सच में नहीं पता सर। भाई के प्यार को अगर कम करना है तो अपनी बॉडी अच्छे से बनानी होगी, तब वो खुद ब खुद मेरे ऊपर फिदा हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ करने में कामयाब हो गया ना तो एक वाइब्रेशन मतलब प्यार का करंट, उसके बाद वो भाई को कभी देखेगी ही नहीं। लगता है आ रही है, आज उसे दिखाना ही पड़ेगा। मैं तो चलो तेरे पीछे पीछे। फिजिकल टच वर्कआउट हो गया, वर्कआउट हो गया। सपना था क्या? इसे सच करना पड़ेगा। अरे 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 कहाँ? टाइम पे कनेक्शन चेंज हो गया, दरवाजा भी बंद कर लिया इन्होंने, अब क्या करूं? हेलो हेलो, मैं आई कम इन। अच्छा वो कुंडी नहीं लगाई। अचानक कहाँ गायब हो गए? अरे उठ जाओ। अरे भाई मेरे प्यार पे क्यों नजर डालते हो? अरे अकल नहीं है क्या तुम्हें? इसमें मेरी क्या गलती भाई? उठो। ये तो बिना देखे आगे गिर गई, मगर तुम क्यों इसके गोद में सेटल हो रहे हो? जल्दी से उठो भाई, जान जा रही है मेरी। ए, मैं कोई बिना देखे नहीं गिरी, देखकर गिरी हूँ मैं। देखकर गिरी? क्यों? मेरे घर के लिए यही सही मिस्त्री है। अरे इसने बहुत सारे घर बनाए हैं। तो क्या हुआ, मेरे घर को भी बनाने दो ना। अरे पागल, तुम खाना वाना खाते हो क्या? कैसे आदमी हो, मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। तुमने क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या हुआ? अपने भाई से ही पूछो। क्या हो गया? इससे पूछो। हे, बताओ ना क्या हो गया? ये देखो, जब मैं सो रही थी इसने मंगलसूत्र बांध दिया। ये सच है? सच है। सोती हुई लड़की के गले में मंगलसूत्र बांधता है, शर्म नहीं आती तुझे? हाथ हटाइए, हटाइए, कह रही हूँ ना। अब चाहे कुछ भी हो, इन्होंने मंगलसूत्र बांध दिया है तो ये मेरे पति हैं, यही सच है। ये हमारे घर की बात है,
किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अरे बाप रे, वेरी गुड, बहुत ही खुशी हुई। आखिर तक ऐसे ही रहना, तुम जा सकते हो। अरे ऐसे कैसे चले जाए, रुक के हनीमून मना के। चीर को देखो जरा, कब से रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है। ये लोग कौन है बेटा? पता नहीं, सुधा सुधा कहकर मुझे बुला रहे थे। सुधा, शायद वो तुम्हारे जैसी दिखती होगी। चलो घर चलते हैं, सब लोग राह देख रहे होंगे। चलो चलो, ये लीजिए बच्चे को। मदद करने के लिए शुक्रिया, इस नन्ही सी जान ने हमें बचा लिया। ठीक है, किसी की भी जान अब कोई भी बचा नहीं पाएगा। हे भगवान, छोड़ दो, छोड़ दो, क्या कर रहे हो, छोड़ दो हमें। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मोहम्मद अली को कोर्ट ले जाने की जरूरत नहीं, मेरे बोलने तक वेट करो। ओके 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 मिस्टर कार्तिक। शहर के सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर दो। ओके, जरा सा भी किसी पे शक हो तो छोड़ना मत। ओके, और आप लोग ध्यान से सारे घरों को बहुत ही अच्छे से चेक करना। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इनमें सिक्योरिटी टाइट दो। काम खत्म होते ही मैं अड्डे पे आ जाऊंगा। पासपोर्ट कब तक आएगा बॉस? ठीक 4:10 पर। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, परफेक्ट, कोई नहीं पहचानेगा। किसी दुश्मनी की वजह से नहीं है, इसमें किसी गिरोह का हाथ है। ए, शांति दूत लोग हमारे धर्म के लोगों को मार रहे हैं, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चलो, चलो चलो, नहीं छोड़ेंगे, काट डालेंगे। अच्छा सुनो, कोई चश्मदीद गवाह है क्या? जी सर। ओके ए सुनो, यहाँ पर अच्छा तुम जरा चेक करो सिचुएशन कंट्रोल में है क्या। चलो। नमस्ते सर। हाँ, आपने कुछ देखा क्या? मैंने देखा सर, वो एक हिंदू ही था, जानबूझ के किया होगा सर। ठीक है, आप जाइए। ठीक है सर। आईजी के घर पे 3 लोग, जेल में जो है वो है मोहम्मद अली, बचे हुए ये जो 2 पासपोर्ट में हैं, ये कौन है और कहाँ है? पता नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं जानता इनके बारे में। अगर नहीं पता तो उसका पासपोर्ट तेरे पास कैसे आ गया? बोल। बोलना। हाँ बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ सर। लेट क्यों आया? पासपोर्ट कहाँ है? Yeah.
आपको जिसने चाकू से मारा वो यही है क्या? सर, ये यही है सर, यही है, इसी ने मारा था सर, यही है, यही है सर। आप सब लोगों को लग रहा होगा कि एक हिंदू है, जी नहीं, ये एक मुस्लिम है। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं? सुनिए, गुजरात के दंगों में यह शामिल था और कश्मीर में उग्रवादियों से यह मिला हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे देश में घुसे हुए हैं। यह खुद ही एक मुस्लिम होकर दूसरे मुस्लिम्स को मारने की कोशिश की है इसने। तो सोचिए यह यहां पर किस लिए आया है? अशांति फैलाने के मकसद से आया है। ये देखिए कैसे भेष धारण करके लोगों को फंसाते हैं। ये क्या कुरान ने तुम्हें यही सिखाया है? अरे तुम जानवर हो, तुम क्या समझोगे कुरान को? मस्जिद से बाहर निकलते वक्त जिस आदमी पर जानलेवा हमला हुआ था, पुलिस ने उस मारने वाले अपराधी को पकड़ लिया है। लोगों को गलत फहमी थी कि हिंदू आदमी ने उसे चाकू मारा है, मगर जांच पड़ताल के बाद ये पता चला है कि वो एक उग्रवादी है और वो एक मुस्लिम था। मुस्लिम समाज के मौलाना ने लोगों से विनती की। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाए बिना आप लोग पूरी तरह से शांति बनाए रखें। इस दंगे की वजह से हमारे लोग ही नहीं बल्कि बहुत सारे हिंदुओं को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। सच क्या है ये अभी पता चला है। मानते हैं कि हमारा एक आदमी घायल हुआ है, मगर हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। वो एक हिंदू नहीं है बल्कि मुस्लिम है, और वो भी हमारे देश का मुस्लिम नहीं है, पाकिस्तान से आया हुआ है। यहाँ पर अशांति फैलाने के लिए हिंदुओं के भेष में इसने ये काम किया है। इनका बस एक ही मकसद है, हमारे बीच में झगड़ा करवा के अशांति फैलाना। इसमें हिंदू या मुस्लिम कौन मरता है इनको कोई मतलब नहीं है। इनका बस एक ही मकसद है, किसी भी तरह हमारे देश में अशांति फैल जाए। ऐसे तो उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, हमें आपस में लड़ाकर हिंदू मुसलमानों के बीच अशांति फैलाना। ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके से वो लोग हिंदू मुस्लिम के बीच में सिर्फ तनाव पैदा करना चाहते हैं। आज तक हम लोग मिलजुल कर यहाँ रहते आए हैं, उनका मकसद है कि कैसे भी हम लोगों को अलग कर दे। वो सिर्फ यही करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कामयाब नहीं होने देना है। अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो जरा सोच कर देखिए आप लोग कि आज का माहौल कितना भयानक होता, कितने लोग बेचारे मर जाते। इसलिए हमें पहले क्या करना होगा कि जो इस जैसे लोग हमारे देश में घुसते हैं उन्हें यहाँ से भगाना होगा। ये हम सभी का देश है, एक भी टेररिस्ट हमारे देश में ना हो ऐसा हमें कुछ करके दिखाना होगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, भगवान के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहिए। प्लीज सेव आवर कंट्री। थैंक यू। सर, कुछ बच्चों को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है। कुछ पता है उन्होंने कहां अगवा करके रखा है? सर, उनको उनके स्कूल में ही अगवा करके रखा हुआ है। दोपहर से मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया है, भूखा है बेचारा। मेरे बच्चे को बचा लीजिए साहब। अरे सर, इन लोगों ने तो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अंकल अंकल, भूख
भूख लग रही है अंकल, सुबह से कुछ भी नहीं खाया अंकल, मेरी माँ ने खाना लाया होगा अंकल, मैं जाऊँ क्या? भूख लग रही है, रुको तुम्हारी भूख मिटाता हूँ। जाने दो बेटा, बेचारा छोटा बच्चा है, छोड़ दो इसे। दूसरे देश से ये हमारे देश में आकर के हर रोज हंगामा करते हैं, अशांति फैलाते रहते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड़कर गोली मारने के बजाय उन्हें प्रोटेक्शन देते रहते हैं। ये क्या तरीका है? खाना खिलाते हैं, बोलते हैं कोर्ट इन्हें सजा देगी। ये कैसा कानून है? जो बस में ट्रेन में धमाका करते हैं, जेल जाते हैं, कुछ दिन वहाँ रहते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं वहाँ से। अब देखो, बच्चों को अगवा कर लिया और मोहम्मद अली को रिलीज करने की बात कर रहे हैं ये लोग। ऐसे लोगों को बीच रास्ते पर मार देना चाहिए। क्या हुआ? लग रहा है बहुत टेंशन में हो। आने दो। ओ अच्छा, कहाँ है वो रॉ ऑफिसर? हाँ बोलो। बोल देना उसे हमें यहाँ से सुरक्षित एयरपोर्ट पहुँचाओ, हम जैसे ही वहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग इन्हें छोड़ देंगे। ठीक, एक घंटा, अगर लेट हुआ तो एक एक करके बच्चे मरेंगे। देखो, तुमने जैसा बोला बिल्कुल वैसे ही, मोहम्मद अली को तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगा। वाह कार्तिक, बच्चों की जान को कोई खतरा ना हो। वैसे तुम खिलाड़ी हो मगर आज फंसी गए। सर, मिनिस्टर साहब आ गए। सब लोग आ रहे हैं और बस बातें किए जा रहे हैं, बच्चों को बचाने के लिए कुछ तो करिए। आप जो भी फैसला करेंगे वो फैसला हमें मंजूर होगा, बस कैसे भी करके बच्चों की जिंदगी बचा लीजिए। विल डू आवर लेवल बेस्ट। थैंक यू। सुनो सर, मुझे अभी के अभी स्कूल के प्रिंसिपल से मिलना है, जाओ। ओके, मेक इट फास्ट। सर। नमस्ते सर। नमस्ते, मैं प्रिंसिपल हूँ। आइए, इस बिल्डिंग के प्लान की डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके सर, तुरंत। श्योर सर। क्या चाहता है ये मोहम्मद अली? इंडिया को क्यों टारगेट कर रहा है और उसे बचाने के लिए ये तीनों अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हैं? इनका प्लान है इंडिया में घुसकर जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा हो तो पार्लियामेंट में अटैक करने का। दिल्ली में इन्होंने कुछ लोग रखे हुए हैं, उसमें दो एमपी भी फंसे हैं। दिल्ली में सब चीज फुल प्रूफ करके सबकी नजरों में धूल झोंक कर गवर्नमेंट के जरिए पार्लियामेंट में अटैक करने का इनका मास्टर प्लान है। लेकिन हमारे स्टेट की सतर्क पुलिस ने मोहम्मद अली को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग प्लान फॉलो करके कुछ लोगों के सपोर्ट से कुछ अंदर के लोग और उन दो एमपीओ को अपने कस्टडी में रखा है। अब इनको तकलीफ ये है कि इंडिया और पाकिस्तान नजदीकी बढ़ा रहे हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये प्लान स्टॉप करेंगे, और अगर उन्होंने ये नहीं किया तो पाकिस्तान मुसीबत में आ जाएगा, और अगर ये प्लान वर्कआउट नहीं हुआ तो ये अपने इस प्लान को आगे बढ़ाएंगे। Yes. Shit! Hey, ऐसे क्या देख रहे हो? Ambulance बुलाओ. हाँ सर, इंस्पेक्टर। यस सर। हेलो हेलो, देखो थोड़ा शांत रहो, भगवान के लिए किसी को मारो मत। तुम किधर है मुझे? आई एम सॉरी, किसी को मत मारना प्लीज। कोई बचाओ हमारे बच्चे, कोई बचाओ हमारे बच्चे। करते रिस्क नहीं लेते, मोहम्मद अली को ऐसे ही दे देते। आप टेंशन मत लीजिए सर, उसे वहीं पर रहने दीजिए। ओपन। Charge!
सर, उन तीनों टेररिस्ट में एक गायब है और आपकी माँ भी नहीं मिल रही है सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। अरे बाप रे। Hey! Get back! Get back, I say! Get back! I said get back! क्या रे, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है? हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। 15 minutes, only 15 minutes का टाइम दे रहा हूँ। तब तक मोहम्मद अली मुझे यहाँ चाहिए, वरना तुम्हारी माँ को गोली मार दूंगा, प्रॉमिस। Come on, go, come on। माँ, डॉक्टर! आतंकवादियों का मोहम्मद अली को छुड़ाने का प्लान नाकामयाब हो चुका है। कोर्ट ने उन्हें फिर से सजा सुना दी है। अब वो जेल में ही रहेंगे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। कुछ किया, लेकिन क्या हुआ आखिर? फिर से जेल में डालने का ऑर्डर आ गया, फिर से सालों तक कोर्ट केस, और फिर छूट जाएंगे। अचानक से एक दिन न्यूज आएगी कि इनके आदमियों ने प्लेन हाईजैक कर लिया है और मोहम्मद अली को छोड़ने की डिमांड कर रहे हैं। फिर से सरकार के बीच समझौते होंगे। कोई सबूत नहीं मिलेगा, फिर मोहम्मद अली को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर कहीं बॉम्ब फटेगा, 50 लोग मारे जाएंगे, 100 लोग घायल हो जाएंगे। ऐसा ही न्यूज आएगा भाई, और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। Yeah.
इनके बॉम्ब से मेरा 25 साल का बेटा मारा गया। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, आतंकवादियों को कोर्ट से बाहर लाते वक्त जनता ने इन आतंकवादियों को पीट पीट कर मार डाला है। पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिश की मगर वो उन्हें बचा नहीं पाए। यही सच है ना सर? यही सच है ना सर? सर, सारे बच्चे बचा लिए गए हैं सर, मगर आपकी माँ को नहीं बचा सके सर।